उर्दू के वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून में खुशामदीद हमारे लंडन स्टूडियो से मैं हूं वजन फर हैदर वर्ल्ड कप के पहले मरले का अख्ताम और बिलाखिर पाकिस्तान ने को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है वेस्ट इंडीज़ ने भी यू को हरा कर अगले मरले के लिए जगह बना ली है इस पर मज़दीद बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के सबक कप्तान आसफ इकबाल और हमारे इन हाउस क्रिकेट एक्सपर्ट असद अली आसफ पास्तान क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का पहला मैच है कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान को देखिए जैसा कि शुरू से हम बात बात करते आ रहे हैं कि वनडे क्रिकेट जो है स्पेशली क्वार्टर फाइनल्स से आगे जो, जो मैचज हैं वो ऑन द डे वाली बात है ऑन द डे परफॉर्मेंस ठीक है आप जो क्वालिफिकेशन के मैच थे जिस तरह हमने पहले मैचेज हारे दो मैच हारे शुरू के दो मैच फिर भी, भी हम क्वालिफाई कर गए और एक्सपेक्टेशन जो थी पाकिस्तान की प्लस ऑल द फुल मेमोनेशन जो हैं उनकी यही थी कि दैट आठ जो क्वार्टर फाइनल्स की टीमें हैं वो फुल मेंबर्स ही होंगे लेकिन बांग्लादेश ने एक सरप्राइज आई मीन इंग्लैंड को कर हरा है? कर कर दिया uh, पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ कि उतना ही चांस है जितना ऑस्ट्रेलिया का ठीक है ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड पर खेल रही है लेकिन पहले भी जब वर्ल्ड कप हुआ था नाइन्टी में ऑस्ट्रेलिया ही को पाकिस्तान ने आई थिंक इट वॉज एट बर्थ हमने हराया था और uh, तो वो एक कैन थिंक बैक एंड से वो ऑस्ट्रेलिया का हराया था लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि पास जो है वो इट्स ओनली टू गिव योर सेल्फ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन होप लेकिन प्रेजेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिस तरह से पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट में शुरुआत स्लो थे लेकिन स्लोली स्लोली बिल्ड करते गए अपने परफॉर्मेंसेस uh, को मैचेस जीतते आ रहे हैं और ख़ासतौर पर जो आई थिंक पिछला मैच आयरलैंड के खिलाफ जो था बहुत क्रूशल मैच इसलिए था कि हम आयरलैंड ने हमें हराया था 2007 में और हम कंपटीशन के बाहर हो गए थे एंड आई थिंक यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करूँगा एक बहुत ही अच्छा जस्टर यूनुस खान ने आई थिंक ट्वीट किया सेइंग दैट दे वांट टू डेडिकेट दिस मैच टू बॉब में जो बहुत एक अच्छा जेस्टर था आई थिंक वो परफॉर्मेंस वाइज पाकिस्तान टीम आई थिंक कॉन्फिडेंटली तो ज़रूर खेली बट आई स्टिल फील कि वो जो बैटिंग में एग्रेसिवनेस जितनी दूसरी टीमें हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश जिस तरह से इस टूर्नामेंट में खेलती आई हैं वो अभी तक पाकिस्तान में नजर नजर नहीं, नहीं आया थोड़ा बहुत झलकियाँ उमर अकमल जो बैटिंग करते हैं वो नजर आती हैं लेकिन आई वुड स्टिल प्रेफर खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और की बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इसमें कोई शक नहीं फिर भी, भी अगर आपके एक अग्रेसिव अप्रोच हो तो बॉलर्स भी अंडर प्रेशर आते हैं और बॉलर से ज़्यादा जो उनकी प्लानिंग होती है जो कप्तान एक सेट माइंड से जाता है कि ये हमारी प्लानिंग है फिर वो डिस्टर्ब हो जाती है जैसा हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम खुद इंडिया की टीम ये टीमें जिस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम अग्रेसिव uh, बैटिंग की जो है जिसकी वजह से तरबित तर हो जाते हैं प्लान जो होते हैं तो आई थिंक पाकिस्तान नीड्स टू डू दैट बट आई आई थिंक दिस जस्ट चांस ऑफ क्वार्टर uh, फाइनल्स में जितने जितने ऑस्ट्रेलिया के हैं असद बैटिंग की बात हो रही है पाकिस्तानी बैट्समैन को ऑस्ट्रेलिया जो पेस ट्रीय है उनका जो पेस अटैक है क्या हमत होनी चाहिए पाकिस्तानी बैट्समैन के उनके खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग जैसे आसिफ ने कहा कि अभी सबसे बड़ा चैलेंज तो पाकिस्तान को उनकी बैटिंग का ही है और ऑस्ट्रेलियन जो ट्रियो है अभी अगर उनमें देखा जाए तो मिचेल जॉनसन है स्टार्क हैं और जो स्टार्क हैं अभी उन्होंने यॉकर लेंथ बॉल्स पे ज़्यादा विकेट्स ली और लेकिन मिचेल जॉनसन जो हैं उनको रनस भी ब, बहुत पड़े और इसमें स्ट्रेटी इस तो वही होनी चाहिए कि एग्रेसिव होनी चाहिए कॉन्फिडेंस से खेलें और ज़ाहिर है वो टीम पाकिस्तान की जो है इस टाइम जो कोच हैं एनालिस्ट हैं वो सारे एनालाइज़ कर रहे होंगे सारी सिचुएशन को और पाकिस्तान के लिए उम्मीद की अच्छी किरण तो ये है कि मतलब ये पिछले दो मैचेस में अगर हम देखें तो बैटिंग में जो पहले मैचेस में आपको थोड़ी सी कमी नज़र आई थी वो उसमें बेहतरी की तरफ चीज़ गई है

वाट इट नीड्स इट सेल्फ बिलीफ वाट इट नीड्स इट्स के अपने आप पर इतना अतमाद हो कि देट हम कर सकते हैं और पास्ट में क्या है लेकिन वो पास्ट को अब भूल जाना चाहिए नाउ दै टू लिव इन प्रेजेंट और उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वो यही होगा कि एक तो आई थिंक फुल हाउस होगा एडलेट में फुल हाउस यकीन तौर पर ऑस्ट्रेलियन सपोर्टर ज़्यादा होंगे उनका होम ग्राउंड है बट पाकिस्तानी सपोर्ट भी ज़रूर होगी उन्हें मिसबा और उनकी जो बैटिंग लाइनअप है उनको आई आई होप होप कि हम पहले बैटिंग करें uh, अगर टॉस जीतें तो ज़रूर पहले बैटिंग करें और अगर टॉस नहीं जीतते हैं तो उम्मीद करें कि क्लार्क टॉस जीत के हमें स्लिप uh, इन करें लेकिन टारगेट uh, ज़रूर इनको एग्रेसिव बैटिंग करते हुए तीन सौ रन से कम का नहीं होना चाहिए बिकॉज़ वो जो जो विकेट है बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है जैसा हमने देखा कल के मैच में आयरलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग विकेट थी एंड आई थिंक आयरलैंड शायद अगर 300 भी कर जाती तो पाकिस्तान कहा जाता है लेकिन अगेन हम कल सेकेंड uh, चेज करके जीते हैं मैच तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का तो जरूर होगा बट मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक पाकिस्तान को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो इस बात की है कि सेल्फ बिलीफ अपने आप में असद मोहम्मद इरफान की गैर मौजूदगी में हमारे मेन स्ट्रीम बॉलर हैं पेस अटैक को लीड करते हैं उनकी गैर मौजूदगी में हमने मैच खेला लेकिन दूसरे बॉलर्स ने उनकी कमी महसूस नहीं होने दी क्या अगले मैच में हमें यही लाइनअप रखनी चाहिए या मोहम्मद इरफान को वापस लाना चाहिए देखिए अगर तो मोहम्मद इरफान फ़िट हैं अभी उनकी फ़िटनेस का पता नहीं है लेकिन अगर वो फ़िट हैं तो मेरे ख्याल पहली चॉइस तो वही होंगे इरफान ही होंगे और इर इरफान ने पाकिस्तान की मतलब एक तासर यह है कि पाकिस्तान ने लेट आके टीम मोटिवेट हुई और टीम ने जीतना शुरू किया लेकिन दो मैचेस हारने के बाद चार मैच इन रोज़ जीतना चाहे टीमें छोटी हों बड़ी हों जब इस प्रेशर में हो तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं थी, थी बैटिंग की कमी नज़र आ रही थी और इसमें मैं बिल्कुल मिसाल दूंगा पहले मैच में भी उसकी झलक थी बॉलिंग में कि इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट लास्ट फाइव ओवर्स में पाकिस्तानी इस बॉलिंग में बहुत सत्ताईस रन दिए और उस वक्त रैना ने भी बैटिंग की कोहली ने भी बैटिंग की धोनी ने भी बैटिंग की तो बॉलर्स और साउथ अफ्रीका को टू अंडर टैंक टू ट्वेंटी टू को डिफेंड करना फिर एक और इन्होंने टू थर्टी समथिंग का टोटल डिफेंड किया तो ए, ए, ये एक इनका था मतलब मोटिवेशन क्या था सिर्फ ये था कि बैटिंग में थोड़ी से वो डिसीजन चेंज हुआ एक आउट ऑफ फॉर्म जो थे ओपनर उनकी जगह नए ओपनर आए तो चीज़ें बेहतर हुई और आगे की तरफ अब जो है ये टीम एक जेल हो के आगे की तरफ बढ़ रही है एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा कि मोहम्मद इरफान की जब बात कर रहे हैं उनको सिर्फ उस वक्त खेलना चाहिए जब वो हंड्रेड परसेंट फिट हैं बिकॉज उनको खिलाने से अगर आप तीन या चार ओवर सिर्फ उनसे मिलते हैं और फिर वो अनफिट हो जाते तो हैं तो बहुत है। तो बहुत बड़ा नुकसान होगा विदाउट हिम ऑल्सो वी हैव गॉट इनफ बोलिंग स्ट्रेंथ कि हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बट फिटनेस उनका मेन इश्यू है एंड होपली इफ इज फिट देन येस उनको जरूर खिलाना चाहिए बिकॉज ओपनिंग अगर आपको एक आ, इस तरह का बॉलर हो जो सामने वाले अपोजिशन के एक या दो खिलाड़ी अपने एक तीन ओवर चार ओवर के स्पेल में आउट करता है तो ऑलरेडी ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड लेकिन उसके बाद अगर वो बाकी के ओवर्स नहीं कर पाए और फील्ड छोड़कर चले आए तो एक बहुत बड़ा नुकसान एक बहुत बड़ा नुकसान होगा आसिफ यूनस की कारदगी पर एक सवाल यह निशान बना हुआ है दूसरी तरफ उनका जो रिप्लेसमेंट है हारिस सोहेल उनकी बैटिंग बेहतर रही है लेकिन एक एडेड एडवांटेज है कि वो एक पार्ट टाइम बॉलर भी है और जिस तरह आयलैंड के मैच हमने देखा कि उन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिया तो क्या हमें हारिस को यूनिस पर तरजीह देनी चाहिए बिल्कुल देनी चाहिए आई थिंक फॉर टू रीजन यूनिस को मौके जरूर दिए गए अनफॉर्चुनेटली उनकी इतनी अच्छी कंट्रीब्यूशन नहीं थी कि वो अपनी जगह सीमेंट कर सकें तो एक वो वजह है दूसरा ये जिस तरह से आपने कहा कि एक हारिस के आने से एक आपको एक बोलर का ऑप्शन है अगर अगर कोई एक बोलर आपका यू नो ऑफ़ डे तो आपको एक ऑप्शन रहती है जिस तरह उन्होंने कल के मैच में करके तो आई डू बिलीव दैट हैरिस का एक दूसरा लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है तो नंबर तीन पर आकर वो राइट हैंड लेफ्ट का भी एक ऑपोजिशन uh, के लिए काफी फर्क पड़ता तो आई डू बिलीव हारिस की जगह बनती है एक तो मेरा इसमें थोड़ा सा जहाँ पे इख्लाफी नोट आएगा वो ये आएगा कि जब आप यूनस ख़ान के स्टेचर के बैट्समैन को लेके आते हैं या तो आप वर्ल्ड कप से पहले उन्हें वनडे से एक पूरे मतलब रिटायरमेंट का मतलब ऐलान हो जाए एक नए प्लेयर को लाए उसे बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस दें कि अब तुम ये जगह ले रहे हो ये जगह आपकी है और आप ही उम्मीद हैं और आपको हम कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपने इसको लेकर आगे चलना है अब वर्ल्ड कप के दौरान आप इतने बड़े प्लेयर को अगर आप लाए हैं तो और एक क्वार्टर फाइनल है और ये विन और लूज सिचुएशन है और उनका ज़्यादा में एक टेस्ट मैच था और वो सेंचुरीज थी वो एक डिफरेंट चीज़ है पता नहीं क्यों मेरे में इस तरह की सोच आती है कि यूनस खान को खिलाया जा सकता है hmm. लेकिन वो बात फिर वो लेकिन सवाल छठे बॉलर वाला बहुत अहम हो जाता है अगर, अगर, okay. okay. यूनुस खान को रेपूटेशन पर तो नहीं खिलाना चाहिए उनकी रेपोटेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है बहुत उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है इन द पास्ट हम खिलाते हैं खिलाड़ियों को प्रेजेंट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस पर पर और, पर. और, बेस पर और ऑल्सो उनका जो फॉर्म है अनफॉर्चुनेटली उनको जो मौके दिए गए हडन ट्रीली स्टैबलिश सेल्फ तो बेस्ड ऑन दैट आई थिंक और हारिस सोल अनफॉर्चुनेटली कल रन आउट हो गए oh. uh, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला बैटिंग करने का बट यूटिलिटी वाइज आई थिंक हारिस की ज़्यादा पाकिस्तान को जरूरत है मैच के बाद ऑस्ट्रेलिया में हमारे नुमाइंदे आदिल शाहजेद ने एडलीट में शायक से उनके ताशरात जानने की कोशिश की है आइए देखते हैं उनका क्या कहना <ुणाँगे> है पाकिस्तान, <ुणाँगे> पाकिस्तान को स्पेशली से सपोर्ट करने आए हैं और हम आज गेम जीत गए हैं हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला सरफराज ने बहुत अच्छा खेला हमारी फील्डिंग बैटिंग बॉलिंग सब बहुत बेहतरीन था बहुत कुछ है हम सब लोग बहुत कुछ हैं बहुत इंजॉय किया मैच में और ताला हम क्वार्टर फाइनल में यहीं पे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा और यहीं करेंगे हम इनशा तला सिर्फ करेंगे ये वर्ल्ड कप हमारा है We are brothers still. No yes, matter. We are, are close together. It was a massive together. party. Apart from the cricket game, Indians came to support Pakistan. We danced all day. We had so much fun. We had food and we had music. A lot of music. We had so much fun and we had a massive party. हमने आज हमने दिखा दिया दुनिया को कि हम वर्ल्ड कप लेके जाएंगे आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम वर्ल्ड कप का जुनून देख रहे हैं लेते हैं शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा क्योंकि वर्ल्ड कप स्पेशल प्रोग्राम क्रिकेट का जुनून में एक बार फिर खुश आमदी आसिफ चार साउथ एशियन टीम्स ने दूसरे मरल के लिए क्वालिफाई किया है इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका एक बहुत अनयूजल सी बात है और एक बहुत अच्छी बात भी है बहुत बड़ी बात है इसलिए कि देखें फिफ्टी परसेंट I mean आप बात करें ऑफ वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप जिसमें एशिया रिप्रेजेंट सब कॉन्टीनेंट रिप्रजेंटेशन कर रहा है एंड यकी तौर पर आई थिंक एक फख्र की बात है सब कॉन्टीनेंट के लिए Uh, <coughs> जहाँ तक आउटकम का बात है uh, की बात है इन क्वार्टर uh, फाइनल्स की तो आई आई ऑनेस्टली बिलीव मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आई बिलोंग टू दब कॉन्टिनेंट के अपसेट जरूर होने हैं और जिन टीमों को आप कोई मौका नहीं दे रहे हैं कोई उम्मीद नहीं रखे हैं जिससे कि ये प्रोग्रेस करेंगे यहाँ से वो हो सकता है इंडिया बांग्लादेश के मैच जिस जिसमें मैं इंडिया बांग्लादेश का भी कहूँगा कि बांग्लादेश कोई ऐसी छोटी टीम नहीं है जिसको आप मिनोस कहकर खारिज कर दें जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है उनके क्वालिफाइंग राउंड्स में जिस तरह से बिल्कुल उनको स्टार्ट नहीं मिले उनके जो टॉप जिससे एक्सपेक्टेशन हैं आई थिंक तमीम इकबाल और शाकिब uh, ये दोनों ने अभी तक परफॉर्म परफॉर्मिबल अभी शाकिण, तक, तक परफॉर्म नहीं किया है इन्होंने एक्सपेक्टेशन इनसे बहुत हैं और आई डू बिलीव दैट क्वार्टर फाइनल जो हैं इसमें एक अपसेट ज़रूर होंगे ऐसा नहीं है कि जो जो मैं मैं खुद कहता रहा हूँ कि चार जो टॉप टीम्स हैं Australia, South Africa, New Zealand or uh, India that they are going to be in the semi-finals. Uh, this is what I thought when the tournament started. But in way performances have in Sri Lanka, I think they have been giving outstanding performances. And their matches against South Africa, I don't think South Africa can take it for granted that you know, they, they are going to be in the semi-finals. I wouldn't be surprised at all that Sri Lanka, the way they batting a consistent performance श्रीलंका साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका थोड़ी सी अनस्टेबल रही है और यहीं पर श्रीलंका के लिए एक मौका है श्रीलंका के लिए अगर साउथ अफ्रीका स्टेबल ना भी हो तो मुझे लगता तो है मौका है, मौका <laughs> है। <laughs> क्योंकि जैसे आपके प्रोग्राम का टाइटल है क्रिकेट का जुनून तो मैं श्रीलंकन का फैन इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो उनके तीन चार प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें मुझे वो जुनून नजर आता है और वो इस दफ़ा वो वर्ल्ड कप में दिखा भी रहे हैं वो मतलब चार चार सौ मैच खेल चुके हैं लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है और जो कंसिस्टेंसी है मतलब अगर आप जय वर्धने को ले महिला जय वर्धने को इस टूर्नामेंट में आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे लेकिन एक मैच जहाँ पे श्रीलंका के सत्रह या अठारह पे तीन आउट हो चुके थे वहाँ पे वहाँ पे उसने रेस्क्यू किया और बहुत पुराने तरीके से क्लासिकल इनिंग्स एक एंड संभाल के उन्होंने सॉ किया और अगले मैच में फिर संगाकारा चार सेंचुरी छोटी टीम हो बड़ी टीम हो hmm. फिजिकल फिटनेस मेंटल एप्लीकेशन फोकस में जब पहला मैच उन्होंने खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो इनको चार ओवर में चालीस रन इनके मतलब इनके खिलाफ हो गए थे स्कोर उन्होंने इनसे दस ओवर करवाए वो कुछ माइंड में उनके चल रहा है कि यही हमारे चार पांच जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने क्रिकेटर दिलशान दिलशान दिल और दिलशान ने मिचेल जॉनसन को बॉलों पे छह चौके कहने को तो सिर्फ चौबीस रन है लेकिन उसका

उसकी एक वीक लिंक है और वो वीक लिंक है फिफ्थ बॉलर आई डोंट नो क्यों वो चार स्पेशलिस्ट बोलर्स के साथ जा रहे हैं और जो पांचवा बॉलर है उनका वो मतलब पार्ट टाइम बॉलर ना सिर्फ इतना पार्ट टाइम है कि ए बी डिविलियर्र्स जो कभी मैंने सुना था कि वो वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल मैचज़ में बोलिंग किए हैं वो भी आकर गेंदे करें टू तो फिल अप दी ओवर्स तो अगर उनका जो वीक लिंक है वो अगर सत्तर अस्सी रन दे देता है बिटवीन डोमिनी डिविलियर्स या जो भी और खेलते हैं तो वो एक काफ़ी एडवांटेजेस होगा श्रीलंकन टीम को अनलेस दे प्ले फाइव स्पेशलिस्ट बोलर्स आई थिंक साउथ अफ्रीका को एक प्रॉब्लम जरूर होगा एंड अगर एज वेरी राइटली ऐसा दसें कि ये जो लड़कियों के जिन, जिनके नाम लिए श्रीलंकन दे आर फुल ऑफ पैशन और जो उनकी बैटिंग uh, है जिस तरह से वो uh, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जिस तरह से उनका एक जज्बा है आई थिंक दैट कैन कैरी द डे फॉर दैम आसाफ़ पाकिस्तान की तरफ वेस्ट इंडीज़ भी एक गैर यकीनी और बड़ी अनप्रिक्ट mm -hmm. टीम है न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं वो कहाँ देख रहे हैं वेस्ट इंडीज़ देखिए क्रिस गेल उनके ऊपर इतना कुछ uh, वेस्ट इंडीज़ दारोमदार uh, रखते हैं वो पिछला मैच नहीं खेला आई थिंक कुछ अनफिट थे कुछ अनफिट थे तौर पर क्वार्टर फाइनल्स तो खेलेंगे लेकिन आई थिंक वेस्ट इंडीज़ विल हैव टू गेट आउट ऑफ दैट माइंड सेट बिकॉज बहुत कुछ उन पर डिपेंड करता है एंड जिस तरह से वो खेलें इस टूर्नामेंट में एक्सेप्ट फॉर वन इनिंग्स कहीं भी उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और सिर्फ इस उम्मीद में बैठे रहना कि क्रिस गेल अगर चल पड़े तो फिर वेस्ट इंडीज जीत जाएगी आई थिंक वो गलत है गेल गेल जो कहते हैं कि दूसरे खिलाड़ी तो. जो है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा और अगेन एज आई सेड रिगार्डिंग पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच या इंडिया बांग्लादेश मैच हो या साउथ अफ्रीका श्रीलंका सेम अपलाइज टू द वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड टीम न्यूजीलैंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस प्लेइंग एट होम उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस देते आए हैं तो यकीन तौर तो पर दे गो इन टू द मैच एज फेवरेट बट आई आई स्टिल थिंक दैट ऑन द डे वाली बात होगी आसे आसे में भी बात की कि न्यूजीलैंड जो है वो एज़ ए फेवरेट चाह रहे हैं इस मैच में तो इससे वेस्ट इंडीज़ पर प्रेशर कम होगा वेस्ट इंडीज़ पर प्रेशर तो अपनी तो का होता है कि अगर वो तो करते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो फाइनल तक जाएँ वर्ल्ड कप जीतें तो उन पर प्रेशर होगा अगर वो अपने आप से तो नहीं करते कि अब इतनी बड़ी टीम है और वो क्वार्टर फाइनल पहुँच गए हैं चलो पहले राउंड में तो आउट नहीं हुआ तो उन पर कोई प्रेशर नहीं होगा कुछ प्रेशर तो अपने ऊपर आपको खुद डालना पड़ता है कि मेरा मंजिल क्या है और मेरा वो मैंने कैसे हासिल करनी है और वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई ऐसा स्पार्क सामने नज़र नहीं आया और अपसेट बड़ी अच्छी चीज़ होती है लेकिन एज अ स्पोर्ट्स फैन मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसी टीम अपसेट कर दे जो अगले मैच में, में फिर बिल्कुल परफॉर्म ना करे तो वो भी बड़ा बोरिंग हो जाता है टूर्नामेंट को बोरिंग कर देती है मतलब अगर आपने अपसेट करना है या कोई ऐसी चीज़ होनी है तो फिर आप उसके बाद अपना कोई रंग दिखाएं जी जो अक्सर हम टेनिस में देखते हैं कि पहले राउंड या दूसरे राउंड में एक बहुत बड़े खिलाड़ी को एक अनोन टेनिस प्लेयर उसको बाहर कर देता है और फिर उसके बाद वो टूर्नामेंट में ना खुद हिस्सा ले सकता है आगे बढ़ता है और ना ही वो बड़ा नाम का खिलाड़ी जो रहता है और असद की जो बात है एक वो मैं ज़रूर कहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ टीम बिकॉज ये प्रेशर उन पर नहीं रहेगा और पिछले भी बार टूर्नामेंट्स ऐसे हुए हैं आई थिंक आई रिमेंबर वेरी वेल यहाँ एक चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी जिसमें वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल बॉटम पर थे उनका कोई वो नहीं था नाम के वो जीत सकते हैं बट दे वेंट ऑन टू विन द टूर्नामेंट और वो एक एग्जाम्पल है जिसमें वेस्ट इंडीज़ बिल्कुल फेवरेट किसी भी जिस जिस मैच में भी जाते थे नहीं थे लेकिन दे ऑन विनिंग तो यहाँ भी फेवरेट अगर ना हो और वो प्रेशर ना हो और अगर वो इस तरह से खेल रहे हैं कि भाई हम तो चलो क्वार्टर फाइनल्स तक आ गए वी हैव डन वॉट वी था वो गुड इनफ टू डू दैट कैन बी एसेट टू पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मिलियन डॉलर क्वेश्चन आई वुड गिव 50 50, 50, -50. नहीं समझता इसके साथ ही हमारा आज का शो अख्ताम को पहुँचा असद आसफ इस प्रोग्राम में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को अगर आप दोबारा देखना चाहें तो हमारी वेबसाइट बी पर देख सकते हैं इसके अलावा वहाँ लाइव मैच अपडेट्स और पिक्चर गैलरी भी मौजूद है पाकिस्तान के क्वार्टर फाइनल मैच के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी गजन फर हैदर को इजाजत दीजिए